शाओमी कंपनी को पीछे छोड़ने के लिए खास करके भारत में लिए सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन लाने वाला है जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S10। ये 10वीं साल की एनिवर्सरी के दिन आने वाले साल में 5G नेटवर्क के साथ में सैमसंग गैलेक्सी S10 यहाँ पर लॉन्च होगा। ये तक कहा जा रहा है कि ये जो डिवाइस है काफ़ी प्रीमियम डिवाइस होगा। बैक साइड में ट्रिपल लेंस वाला सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस ऑफ द 2019 होने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी S10 में खास बात आप लोगों को देखने के लिए 3D फेस रिकॉग्नाइजेशन की AI फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का से साथ में आप लोगों को मिलेगा, यानी कि आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ चलेगा 3D फेस रिकॉग्नाइजेशन अनलॉक सिस्टम। और आप लोगों को कैमरा क्लैरिटी की रूमर्स के हिसाब से बता दें तो लगभग 41+41 मेगापिक्सल्स का 3x3 लेंस कैमरा होगा और बैक साइड में ड्यूअल LED फ्लैश की सुविधा भी हो सकती है। और ये तो पक्का कहा जा रहा है कि ये 6GB 8GB रैम के ऊपर दो अलग अलग वेरिएंट में आएगा। और ये भी कहा जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S इसी आने वाले साल में देखने को मिल सकता है। खैर, जो कुछ भी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सैमसंग फिर से कमबैक कर सकता है इंडिया में, क्या शाओमी को हरा सकता है, बिल्कुल पीछे यानी कि कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और इस मोबाइल की स्क्रीन की बात की गई तो यहाँ पर पूरा 6.2 इंचेस का शायद एक बड़ा सा डिस्प्ले और वो भी 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में ये स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S10 आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और लगभग इसमें जो है 2019 इसका रिलीजिंग डेट हो सकता है। ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन देता है तो क्या इसकी प्राइस हो सकती है, बिल्कुल पीछे कमेंट्स बॉक्स में बताना ज़रूर। और इसी तरह वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।